अमेरिका का मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि दोनों को एक एक पॉइंट्स मिले हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से पहले मरहले में ही बाहर हो गया। भाई फाइनली मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। यूएसए छोटा बबुम्बा जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाइड हो गया है और भिखारी भिखारी गया भाई। अफगानिस्तान है मेरे, अफगानिस्तान है, दो टकी टीम नहीं बाहर में जाए पाकिस्तान। ये बाबर प्लेयर है, मैं आगे मुबारक हो मेरे जितने भी तमाम पाकिस्तानी लोग देख रहे हो सबको मुबारक हो, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। अबे कसम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इस लांती टीम से बस यही उम्मीद थी, इस लांती और घटिया टीम से सिर्फ यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होगा और हम यहाँ पर बैठ के यही करेंगे। वाह वाह वाह, इनको बीबियों की याद आई है, सीधी बात बताओ इनको बीवियों की याद आई है ना कि मैं बीवी के साथ कैसे रहा, मैं तो बाहर हूँगा। हाँ। और मेरी अकेली बीवी क्या नाम है ईद मनाएगी। हाँ, तो फिर बीवियां रखे क्रिकेट छोड़ देना, हमारा खून क्यों जला रहे हैं, यही तो बात। तो हो गई भाई, बहरतों की टोली वर्ल्ड कप से बाहर हो गई यार। ये लोग जाएं अमेरिका में याशिया करें, पाकिस्तान का टाटा बाय बाय हो गया। वो यूएसए पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली इंडिया के साथ क्वालिफाई करेगी और लानत है इस पाकिस्तानी टीम पे, ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो भाई कुदरत का निजाम नहीं चला, पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तान चला। तो भाई जिस दिन भारत और यूएसए का मैच था दोस्तों, उस दिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है वो किस तरह दुआएं कर रहे थे कि भारत जीत जाए ताकि एक कदम ही आगे बढ़ सके। और भाई उस दिन भारत जीत भी गया, काफ़ी खुश हुए थे पाकिस्तान के फैंस। मगर दूसरा जो रो रहा था वो था कि यूएसए और आयरलैंड के बीच में जो मैच था, किसी तरह यूएसए को आयरलैंड हरा दे, इसके लिए इन्होंने दुआएं की, ऊपर वाले से ये भी दुआएं की कि बारिश ना हो। मगर भाई ऊपर वाले ने इनकी बात नहीं सुनी, कुदरत ने इनकी बात नहीं सुनी और बारिश हुई दोस्तों, जिससे कि ये मैच कैंसिल हुआ और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, जिससे कि 5 पॉइंट के साथ यूएसए जो है सुपर 8 में पहुंच गया और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से पार हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट फैन जो है इतने गुस्से में आए हुए हैं कि पूछो मत। इन्होंने जो अपनी टीम के ऊपर और अपने खिलाड़ियों के ऊपर रिएक्शन दिए दोस्तों, काफ़ी देखने लायक रिएक्शन है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे किस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट फैन जो है रिएक्शन दे रहे हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, बारिश आज हमारा साथ नहीं है, कुदरत का निज़ाम नहीं चला है, क्या जज्बात हैं आपके? जज्बात मर गए हैं, मिट गए हैं, प्रभाव बर्बाद हो गए हैं, जिंदगी अफसरदगी हो गई है, दिल कर रहा है चांद पर चले जाए पैसे लगा के, पाकिस्तान में रहना। ऐसा नसीहत हरकतें की हैं पाकिस्तानी टीम ने कि पाकिस्तान में रहने का दिल ही नहीं कर रहा यार, अब पड़ गया जिंदगी। अभी मोहसिन साहब कह रहे थे कि टीम जो है हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन पर यकीन नहीं आ रहा, ये ऐसा हो नहीं सकता कि सारे पैसों के पुजारी हैं। पैसा चाहिए इनको, पैसा 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 हर जगह पैसा। आप क्या कहेंगे यार? मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मेरा ऑपरेशन इनका ऑपरेशन हुआ है, इसके गुर्दे का ऑपरेशन था, इस बेचारे को थोड़ी सी इमदाद चाहिए थी। ये मैच देखने गया कि वहाँ पे शायद पाकिस्तान जीत जाएगी तो मुझे कोई लोग भला करेंगे, पाकिस्तान मैच हार गया, इसको जुतियाँ पड़ी हैं उधर से। मैं आपको क्या बताऊँ, जिंदगी में आवाजारी हो गई है, जिंदगी में कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ पीने का दिल नहीं कर रहा, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ मोबाइल यूज़ करने का दिल नहीं कर रहा, रील देखने का दिल नहीं कर रहा। हम पागल हो जाएंगे अगर ऐसी टीम को हम देखते रहेंगे, ऐसी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हमारा दिल करेगा हमारे घर। तो हो गई भाई, बहरतों की टोली वर्ल्ड कप से बाहर हो गई यार। ये लोग जाएं अमेरिका में याशिया करें, पाकिस्तान का टाटा बाय बाय हो गया। वो यूएसए पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली इंडिया के साथ क्वालिफाई करेगी और लानत है इस पाकिस्तानी टीम पे, ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। और इससे बड़ी लानत है हम लोगों पर, उससे बड़े डीट, बड़े बेशरम, बड़े बहरत हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं जो यूएसए से हारने के बाद, इंडिया से हारने के बाद, कनाडा के खिलाफ अच्छा मैच ना खेलने के बाद भी इस टीम की सपोर्ट के लिए यूएसए आयरलैंड वाले मैच की अपडेट्स ले रहे थे। हमसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है जो इन लोगों के लिए रात के इस पहर अपना टाइम जाया कर रहे हैं और जो वहां घूम रहे हैं, वहां दोस्ती यारियां निभा रहे हैं, $25-25 की डीलें कर रहे हैं और हम बहुत ही बेशरम है हम क्रिकेट फैंस यार। ये हमारा कसूर है, यह आज टीम वर्ल्ड कप से बाहर है, यह किसी का कसूर नहीं है, यह बबजी द किंग को हमने किंग बनाया।
बनाया, ये शाहीन तू वर्ल्ड नंबर वन है, तू आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, ये हमने बनाया। रिजवान डॉन ब्रेडमैन है, ये हमने बनाया। चाचा हिटर है, आजमान हिटर है, ये हमने बनाया, ये हमारे कसूर है। कौन कहता है बाबर आजम का कसूर है? शर्म वाली बात है कि यूएसए ने सुपर 8 में अपनी जगह बना ली और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमारे साथ यहाँ पे बकरे शकरे खाएगी बकरा ईद पे। इतनी मेहनत करते हैं इस टीम पे, इतनी दुआएं मांगते हैं और ये हमारा मुंह काला करा के वापस आ रहे हैं। असल बात ये है ना, ये बकरे शकरे को खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, इनको बीवियों की याद आई है। सीधी बात बताओ, इनको बीवियों की याद आई है ना कि मैं बीवी के साथ कैसे रहा, मैं तो बाहर हूँ। हाँ। और मेरी अकेली बीवी क्या नाम है ईद मनाएगी। हाँ, तो फिर बीवियां रखे क्रिकेट छोड़ देना, हमारा खून क्यों जला रहे हैं? यही तो बात मैं भी कर रहा हूँ कि ये जो है ना, इनकी जगह पे ना कहीं बच्चों को खिला रहे, जाके बच्चे खेलेंगे वो बेहतर होगा। ठीक है, अगर बच्चे हार भी जाए ना तो कहेंगे कोई बात नहीं यार, ये बच्चा है। अगर इतने बड़े बड़े गधे हमारे जा रहे और जानबूझ के इनको पैसे दे रहे हैं, इससे बेहतर है हमारे मुल्क पे पैसे वो क्यों ना लगाएं। सही बात है, वो मुल्क पे पैसे लगाए। सर ये जो इंडिया की स्ट्रीक है T20 वर्ल्ड कप में हर मैच जीते जा रहे, उन्होंने हैट्रिक कर लिया, सुपर 8 में जगह बना ली, एक वक्त हम कहते थे हमारी टीम इंडिया से बेहतर है। ये कोई बेहतर नहीं, हमारी टीम कोई बेहतर नहीं है। वो तब है बेहतर थे जब इंजमाम उल हक था, शाहिद अफरीदी था, शुएब अख्तर था। गया पाकिस्तान, गया वर्ल्ड कप से। मुबारक हो मेरे जितने भी तमाम पाकिस्तानी लोग देख रहे हो, सबको मुबारक हो, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। अब एक कसम, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इस लांती टीम से बस यही उम्मीद थी, इस लांती और घटिया टीम से सिर्फ यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होगा और हम यहाँ पर बैठ के यही करेंगे। वाह 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 यार, वो कोई मैं बोलूंगा यार, कसम से लानत है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान के क्रिकेट के। आज ये दिन आ गए कि हम वर्ल्ड कप के पहले राउंड बाहर हो गए। अबे इस बार तो 20 टीमें थी और यकीन करो छोटी से छोटी टीम भी यहां पर क्वालिफाई कर रही है, छोटी से छोटी टीम हमको पेल रही है। यूएसए जो कि पहली दफा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, उन्होंने हमें ठोक दिया। यूएसए की टीम ने हमको ठोका और पाकिस्तान के एल लगा दिए, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर। ये लो ताजी ब्रेकिंग न्यूज भाई, बारिश ने यहां पर पाकिस्तान की ले ली। हमेशा पाकिस्तान कह रहा था कि कुदरत का निजाम, ये निजाम वो निजाम, इसका निजाम उसका निजाम, ले लो कुदरत का निजाम ले लिया, पाकिस्तान की कुदरत के निजाम ने लिया बड़े अच्छे तरीके से। यार कसम से मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर, उन घटिया लोगों के ऊपर जो कि अब भी बैठ के कह रहे थे कि नहीं भाई पाकिस्तान के चांसेस हैं, पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा। हेलो सर, आज आप पाकिस्तान से बाहर हो गया, भाई मुबारक हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, घंटा बज गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। अफगानिस्तान सबको, अफगानिस्तान बाहर में जाए। पाकिस्तान ये देख रहे हो आप, मुसलमान जितने भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी क्रिकेट को छोड़ो, मुझे छोड़ दो मेरे अफगानिस्तान बार में जाए, पाकिस्तान जीतेगा भाई जीतेगा, ये मैच है बार में जाए, दो की टीम नहीं बार में जाए पाकिस्तान, ये बाबर पले बाबर के छोड़ो भाई। फाइनली मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन यूएसए, छोटा बबुम्बा जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाइड हो गया है और भिखारी गया भाई। साले तेरी जिंदगी बर्बाद है, तेरी औकात नहीं थी सुपर 8 में आने की, तुझे ऐसी सजा मिली है ना, तू कभी भी जिंदगी में जब भी बहुत बड़ा इवेंट आएगा आईसीसी का, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट मैच हो, तुझे ऐसी सजा मिली है इस बार कि तू कभी जिंदगी में बड़ी बोल नहीं बोलेगा। गया खत्म, टाटा गुड बाय। कितना दुख हो रहा है इस वक्त तो ऐसे दुख हो रहा है जैसे कि बेहद ज्यादा दुख हो रहा है। हाँ, कैसे इस्तकबाल करोगे टीम का अगर मौका मिले तो? अगर मुझे मौका मिले तो इसको तो मैं जूतियों को हार पहना के ना उसका वो इस्तकबाल करूंगा, वो कम नहीं होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, क्या एहसास, क्या जज्बात है इस वक्त आपके?
मैडम जज्बात का तो आप ना ही पूछो तो अच्छी बात है। अच्छा? क्योंकि इतनी तवक्को हम लोगों ने रखी थी इनसे। हाँ? लेकिन कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, मतलब इनको तो डंडे मारने चाहिए, बल्कि अंडे भी मारने चाहिए लोगों को। हाँ? कि इतने हमारे जज्बात को इन्होंने ठेस पहुंचाई है कि हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे। और ये इंडिया वाला जो मैच था ये हारने वाला था, बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। ये तो बच्चों, हम मुझे पता है मैच अच्छा खेल सकता उनसे। इनको इतनी हमने कोचेस रखे हुए हैं, इतना हम भी मेहनत कर रहे हैं, पीसीबी ने इतना इन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इंडिया ने जब यूएसए को बीट किया तो तमाम पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक चांस दिया। आज बारिश की वजह से भी जो मौका मिल रहा था कि क्या पता दुआओं की वजह से हम आगे चले जाएं, लेकिन सर नहीं चला इस दफा कुछ भी हमारा। वैसे अगर मेरी दिल की बात आप पूछते हो ना, तो हम लोग डिजर्व नहीं करते वैसे। अच्छा, क्योंकि हम मेहनत ही नहीं करते, हमने कुछ किया ही नहीं है। इंडिया को हराते तो हमें कुछ चांस बनता। आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे सुपरस्टार्स, हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ईद पाकिस्तान में ही मनाएंगे अब, और जल्द ही वो अपने प्यारों के दरमियान होंगे, पाकिस्तानियों के साथ होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त खबर आई है और लोग मुबारकबादें दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया, सुपर 8 मरहले के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका, क्योंकि अगर मगर का चक्कर था। और अमरीका और आयरलैंड के दरमियान जो मैच था वो जनाब हो ही नहीं सका, बारिश की वजह से वो मैच ही नहीं हो सका, और पॉइंट्स उनको बराबर मिल गए। और उसके बाद जनाब अब पाकिस्तान बाहर हो गया है। अब ये है कि जी अमेरिका आगे चला जाएगा सुपर 8 में, भारत आगे चला जाएगा और पाकिस्तानी टीम आएगी वापस। इसके साथ ये बात भी की जा रही है कि जिन लोगों ने प्लान्स बनाया हुआ था, हमारे क्रिकेट ऑफिशियल्स, बड़े बड़े सरकारी लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ छुट्टियाँ अमरीका गुजारना चाह रहे थे और वहाँ जाकर जनाब सरकारी खर्च पर भी या अपने खर्च पर भी जा सकते थे और वहाँ जाकर क्रिकेट से महसूस होना चाह रहे थे, उनके लिए भी खबर है कि अब वो नहीं जाएंगे और वो यहीं अपनी छुट्टियां गुजार सकते हैं और यहां पर ईद मना सकते हैं। तो हमारे खिलाड़ी जनाब सुपरस्टार्स जो हैं वो जल्द वापस आ रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कितने गुस्से से पागल हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार इनका साथ कुदरत ने भी नहीं दिया। और वैसे भी आजकल पाकिस्तान की टीम को दुआओं की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, हर बार दुआओं से और कुदरत के निजाम से ही आगे बढ़ रहे थे। जिस तरह आपने देखा छोटी छोटी टीम को ये हार रहे हैं और खास करके यूएसए जैसी नई टीम को हारे हैं, तो पाकिस्तानी फैंस को तो गुस्सा आना ही है, और खास करके भारत के साथ भी ये हार चुके थे दोस्तों, तब से पाकिस्तानी अपने खिलाड़ियों पे काफ़ी नाराज है। और अभी आप देख रहे हैं कैसा गुस्सा इनका फूट रहा है अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम के ऊपर। मगर भाई मैं एक बात तो कहूँगा, यही का पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस है जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए कि बाबर आजम दुनिया का नंबर वन बैट्समैन, शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का नंबर वन बॉलर, आज कहाँ है भाई ये, आज छोटी टीम से इनको पेल के जा रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों मैं तो पाकिस्तानी टीम को एक बात कहूँगा कि भाई एक साथ मत आना, अगर एक साथ आएंगे पता नहीं कौन बंदा इनका मुँह काला कर दे पाकिस्तान का फैंस, क्योंकि इतने गुस्से में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आए हुए दोस्तों जैसे कि आपने देखा है। तो मैं सबको एक ही कहूँगा कि भाई आगे पीछे आए, कोई कराची में उतरे, कोई इस्लामाबाद उतरे, कोई लाहौर में उतरे और अलग अलग डेट में आए ताकि आप बच सके, नहीं तो इतना गुस्सा है पाकिस्तानियों में अभी दिख रहा कि भाई इनका मुंह काला कर सकते हैं ये लोग। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।